नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, आपसे जिस तरीके से मैंने वादा किया था कि आपको एग्ज़ाम के टाइम एक करंट अफेयर बूस्टर का एक वीडियो दूंगा, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में 100-200% आपके फंसने ही फंसने हैं, वो क्वेश्चंस मैं यहां पे लेके आया हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपसे वादा है मेरा कि इस वीडियो से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके के मैं अगर वीडियो और भी अपलोड करूं आपके लिए, मैं वही वीडियो अपलोड करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये करंट अफेयर का सेशन है, इसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके एग्जाम की वजह से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर ये कैसा करंट अफेयर है, आपका यूपी का करंट अफेयर है, और आपका यूपी का वो करंट अफेयर है जिसमें जो आपके, क्योंकि आपका यूपी का एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड का, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारा यूपी का करंट अफेयर इसमें लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम की वजह से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको सेशन को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर ऐड आता है चैनल पे तो एक बार ऐड जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपसे मैं इस वीडियो को फ्री में प्रोवाइड करता हूं, कोई फीस आप लोगों से नहीं लेता हूं, ठीक है। तो आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य करें। चलिए आते हैं टॉपिक पे, चलिए टॉपिक पे आते हैं, आपके लिए क्वेश्चंस की बात कर लें। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बढ़िया और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर में देखेंगे, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 13 मई 2022 को किस ग्राम पंचायत में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पटवाई में, रामपुर जिला में है। कहाँ है? रामपुर जिला में है, वहाँ उद्घाटन हुआ है अमृत सरोवर का, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखेंगे, 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस विश्वविद्यालय को भारत खंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने के अध्यादेश को अनुमोदन प्रदान किया है? तो किसे? तो भारत खंडे संगीत संस्थान डिम्ड विश्वविद्यालय लखनऊ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको सीरीज कैसी लगी जरूर बताइएगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 10 मई 2022 को किस उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है? तो अजय कुमार मिश्रा को। किसको? अजय कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट बात करेंगे, 26 फरवरी से 2 मार्च 2022 के दौरान किस स्थान पर 48वें अंतर्राष्ट्रीय ध्रुप मेला 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तुलसी घाट वाराणसी। कहाँ? तुलसी घाट वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पे फरवरी 2022 में गणतंत्र दिवस परेड 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सीधा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 जनवरी 2022 को किस राज्य में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, जिसे 15 लाख रुपए की लागत से डिजाइन किया गया है, लॉन्च किया गया है, बताएं कहाँ? तो सिरौरा गांव गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ? गाजियाबाद का एक गांव है, कौन सा? सिरौराबाद, ठीक है। और वो कहाँ, गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी पूछ सकता है कितनी लागत, तो 15 लाख रुपये की लागत के से डिजाइन किया गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आप पेपर देखे आएंगे और इस वीडियो से क्वेश्चन फंसेगा और फिर बाद में आप पछताएंगे कि सर ने कहा था मैं वीडियो पूरा देख लेता और स्किप करके ना देखता, पूरा काट काट के ना देखता, पूरा वीडियो देखता, और तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर अवश्य देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 5 जनवरी 2022 को किस राज्य के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
हाँ सम्मेलन स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की गई है। पॉलिसी 2.0 लॉन्च की, कहाँ की लॉन्च की? गुजरात में लॉन्च की। कहाँ? गुजरात में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो कहाँ रखी गई? तो मेरठ में रखी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ रखी गई है? मेरठ में रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विश्वविद्यालयों की 100% नामांकन सूचित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो अभियान की बात करें तो स्कूल चलो अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभियान से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड, ठीक है, जितने उद्घाटन समारोह जितने हुए हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 अप्रैल 2022 को खादी ग्रामो उद्योग KVIC के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पश्मीना उत्पादों को लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वाराणसी में लॉन्च किया गया। कहाँ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 30 दिसंबर 2021 को कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शोर आयोजन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिख लीजिए इसका राइट आंसर लखनऊ। कहाँ? लखनऊ में आयोजन किया गया है। दोस्तों आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों आज सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, लाइक बहुत कम लोगों ने किया है। क्या आप लोगों को सेशन पसंद नहीं आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, आप लाइक करिएगा, आपको ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, किस 17 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए थी, जिसकी थीम, लो वेरी इंपॉर्टेंट आ गया, जिसकी थीम भी आ गई है न्यू अर्बन इंडिया वाराणसी। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी कहता हूँ स्क्रीनशॉट लीजिए और ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है आपके लिए प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंसिंग, किसने कॉन्फ्रेंसिंग की थी, किस अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की, ये पूछा जा सकता है। और उसका थीम क्या था? तो न्यू अर्बन इंडिया। और कहाँ किया गया था? तो वाराणसी में। इससे तीन क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 17 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सहकार भारती के लिए भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताइए, लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 11 दिसंबर 2021 को नागर विमान मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है? तो देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्वालियर में। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित किया गया है। दोस्तों आप लोग अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, कोई ग्रुप है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो अन्य बच्चे भी पढ़ सकें, उनका भी सिलेक्शन हो सके। सॉरी, गला सूख जाता है आपको लक्ष्य लाते चलाते। ठीक है, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में स्थापित होने वाली राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामांकन किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? देखिए दोस्तों, आप जितने परिवर्तित नाम करे गए हैं, लटके जाइएगा, भारत के और उत्तर प्रदेश के जितने भी किसी चीज़ का स्टेशन का नाम या किसी पार्क का नाम अगर चेंज हुआ है तो ज़रूर अटके जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, 29 नवंबर
2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह पर शताब्दी स्तंभ, डाक टिकट, शताब्दी स्मारिका का विमोचन किया गया है, तो किसका किया गया, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे 27 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थित पाता लशु शिखर को फतह करने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह किस राज्य के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कब रखी है, तो 25 नवंबर डेट याद रखनी है, 25 नवंबर 2021। दोस्तों मेरा स्वास्थ्य आज गड़बड़ है, लेकिन काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर आखिरी मौका है, सर हम लोगों के लिए करंट अफेयर जरूर करा दीजिए, जीके जीएस में इसका 10 से 12 नंबर का रोल रहने वाला है बहुत बड़ा, तो आप लोगों का तब भी मैं वीडियो बना के लाया हूँ, वो आपका करा रहा हूँ, तो आप लोगों का अधिकार बनता है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक अवश्य करें। ठीक है, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, तो कहाँ रखी गई है, अलीगढ़ में, कहाँ रखी गई है, अलीगढ़ में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला गोरखपुर में रखी गई है। अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल को गोद लेने की घोषणा की गई है, कुश्ती, किस खेल को, तो कुश्ती की। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन की बात कर लेंगे, यहाँ पे आपके सामने आपकी सीरीज आपके सामने है, तो आप लोग देखते हैं अक्टूबर 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु नामित किया है, तो 7 रेलवे स्टेशन कौन कौन है, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, मनकापुर, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो 7 नंबर भी याद रखना और नाम भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 28 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है, तो किस क्षेत्र, कासगंज जिले के सुकुर क्षेत्र सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दोस्तों इसका पीडीएफ भी आप परेशान मत होइए, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नहीं खुल रहा है तो आप लोग वन नंबर दिया गया है उस पर फॉरेस्ट गार्ड लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, 22 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोएडा में स्वदेशी तकनीकी की से रक्षा क्षेत्र में किस मिसाइल की प्रयुक्त होने वाले प्राणोदान प्रणाली निर्माण सुविधा की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है, तो आकाश मिसाइल, कौन सी, आकाश मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पे 5 अक्टूबर 2021 इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति किस जिले में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है, तो कानपुर नगर। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया तो मैं आपसे वादा करता हूँ जीके जीएस का एक ऐसा बूस्टर लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की कोशिश करूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अधिक से अधिक उस वीडियो से क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जीका वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया है, बताइए कहाँ किया गया है, तो कानपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आओ मनाए विकास उत्सव कार्यक्रम कब से कब तक मनाया गया है, तो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। ठीक है, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टोरेट गैस के सिटी
गैस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गोरखपुर के खानीपुर में, गोरखपुर के खानीपुर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 अक्टूबर 2021 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस सर्वोत्तम दिवस के अवसर पर राज्य में पुलिस कर्मियों के पौष्टिक आहार भत्ते यानी 25% वृद्धि करने या हर वर्ष मोबाइल भत्ते के रूप में कितने रुपए देने की घोषणा की? तो 2000 रुपये। कितने रुपए? 2000 रुपये देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 19 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरे विशेष संचारी रोग नियंत्रक अभियान तथा दस्तक अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो बस्ती में किया है। कहाँ किया है? बस्ती में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय MSMI राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 20 भारतीय राज्यों की उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली एक आधुनिक खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वाराणसी में किया है। कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की अंतर्गत खादी महोत्सव एवं सिल्क SP 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे 13 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्यमंत्री न्यायाधीश राजेश बिंदल द्वारा कितने नवयुक्त अपर न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है? तो कितने? 8 लोगों को। न्यायाधीश चंद्र कुमार राय को, कृष्ण पहल को, समीर जैन को, आशुतोष श्रीवास्तव, सुभाव विद्यार्थी, व्रज राज सिंह, श्री प्रकाश सिंह एवं विकास। ठीक है, 8 लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है? तो 9 मेडिकल कॉलेजों का। कितने? 9 मेडिकल कॉलेजों। कहाँ कहाँ? सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देख ले को जरूर मिला। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रही है कि मैं वही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँ जो आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसा? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कंगना रनावत को। आप लोग रट लीजिए ब्रांड एम्बेसडर सम्मानित का नाम कंगना रनावत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 से 30 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में 29वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो रामपुर में किया गया। कहाँ किया गया? रामपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 कब जारी की गई? तो 11 जुलाई 2021 को जारी की गई। कब जारी की गई? 11 जुलाई 2021 को जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत केंद्र की स्थापना कहाँ किए जाने की स्वीकृत प्रदान की गई है? तो लखनऊ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने किन 2 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो कानपुर नगर एवं वाराणसी नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ द्वारा शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गोरखपुर में किया है। कहाँ किया है? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में भारत के पहले लेदर पार्क का पार्क की स्थापना की गई है? तो कानपुर में की गई है। कहाँ की गई है? कानपुर में की गई है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो मेरठ में। मेरठ में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने रिवर रैचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCE ने किस स्थान पर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो मथुरा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप लोगों को वीडियो अवश्य प्रोवाइड किया जाएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।